हेलो दोस्तों, तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ऑफ़र है जो आपके लिए है 25 जुलाई तक। तो अगर 25 जुलाई तक अगर आप एक जो नया बैच बन रहा है क्लास 9th और क्लास 10th का, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के लिए, अगर आप उसमें ज्वाइन होते हो तो आपका जो एक तरीके से जो फीस है वो आधी लगभग हो जाएगी। अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा वीडियो है, उसमें आप पूरा डिटेल जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपका नया सिलेबस आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपने कुछ बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट की हैं, तो आप प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करें और देखें कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन कर पाते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आप कर पाओगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो 90+ हो जाएंगे। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आप सभी सभी बातें फॉलो करोगे। जरूर जाके वो वीडियो देखें। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, ये वीडियो है जो आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला है। क्लास 12th जो आपका है उसका जो सिलेबस है 2021 का, उसमें 30% रिडक्शन यानी कि घटान किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो ये आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑफिशियल नोटिस है गवर्नमेंट द्वारा जो 20 जुलाई को दिया गया था। उसमें बताया गया है कि आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, साथ ही पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो आप वीडियो पूरा देखने की पूरी कोशिश करिएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि वो 30% रिडक्शन क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। आप चाहो तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप वीडियो के डिटेल में जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर जाके पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है आपका 2020 और 2021 का जो 30% गवर्नमेंट हटाया है कोरोना वायरस कारण सिलेबस, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आपको थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि आप चाहो तो 2021 का जो सिलेबस है वैसे सब सेम सेम है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो के अभी जो आपको ऊपर लिंक दिख रहा है, एकदम ऊपर दिख रहा होगा कोने में, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा सिलेबस देख सकते हो अपना, चाहे वो इंग्लिश को चाहे किसी का भी हो। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हम अभी सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस जो ये पीडीएफ में जो मैं चला रहा हूँ, इस पीडीएफ में पूरे सरकार ने यूपी गवर्नमेंट सभी सब्जेक्ट का रिडक्शन वाला पोर्शन दिया है और सिलेबस किस तरह से आएगा, पैटर्न क्या होगा, वो सब इसमें बताया गया है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप क्या करो, वीडियो के डिटेल में जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, मिलेगा इस पीडीएफ का, वहाँ आप क्लिक करोगे तो वो पेज खुल जाएगा, फिर उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वही चीज़ हटाया गया है। लिखा है, पहले सूचना पढ़ते हैं, लिखा है कोविड-19 महामारी कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य न हो पाने की परिस्थिति में, यानी जो पढ़ने पढ़ाने कार्यक्रम नहीं हो पाया है कोरोना वायरस कारण, उसमें क्या हुआ है, जो विषय विशेषज्ञों मतलब जो विषय चूज़ करते हैं, कमेटी बनती है वहाँ जो 10-12-20 लोग होते हैं जो चूज़ करते हैं भाई इस क्लास के लिए ये सब्जेक्ट सही है, वो सब्जेक्ट सही है, ये हटा दो, वो लगा दो, तो वो जो कमेटी चूज़ करती है उनका ये सलाह था कि भाई 30% सिलेबस आप कम कर दो, तो वही कम किया गया है। देखिए, इंग्लिश प्रोज की बात करें, इसमें 2 चैप्टर आपका हटा दिया गया है, 3रा और 5वां, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसको हटा दिया गया है। आई एम जॉन्स हार्ट, ये भी 5वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है, 3रा और 5वां चैप्टर आपका हटा दिया गया है प्रोज से। पोइट्री की बात करें तो इसमें से आपका 4था, 6ठा और 9वां चैप्टर हटाया गया है। 4था हटाया गया है फ्रॉम एन एल्गी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये आपका लेसन हटा दिया गया है। 6ठा आपका ला बिला देम सेंस मर्सी, ये भी हटा दिया गया है। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये भी आपका पोइट्री हटा दिया गया है, यानी कि पोइट्री से 3 पोएम हटाए गए हैं और प्रोज से 2। अगर हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो उसमें आपका द स्पेशल एक्सपीरियंस वाला जो चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। तो कुल आपके काउंट कर सकते हो 2 आपके प्रोज, 3 आपके पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी का 1, यानी कि 6 आपके जो चैप्टर हैं पोएम को लेकर वो हटा दिया गया है। ठीक, मर्चेंट ऑफ वेनिस या होल प्ले, ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी हटा दिया गया है, पूरा प्ले यानी पूरा सिलेबस ही मर्चेंट ऑफ वेनिस का हटा दिया गया है। तो ये बहुत लोगों के लिए अच्छी बात है, ये पूरा पॉइंट ही हटा दिया गया है। फिर लिखा है उपयुक्त के अनुक्रम के 70
प्रतिशत का पाठ्यक्रम निन्वत है, मतलब नीचे जो फॉलोइंग में दिया हुआ है वो आपका 70% जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड है। देखिए ये पूरा लिखा, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र 3 घंटों का होगा, ये 100 नंबर का पेपर होगा जो आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। सेक्शन ए 50 अंक का होगा, कितने अंक का होगा 50। प्रोज 19 अंक, मतलब 19 नंबर का, पोइट्री 17 नंबर का, तो 19 और 17 आप जोड़ सकते हो, कितने हुए 19 17 36, 36। और शॉर्ट स्टोरी आपके 10, कितने हो गए वो 46, 46। और फिगर ऑफ स्पीच आपका हो गया 4 नंबर, यानी 50 नंबर का, ठीक। तो आपके जो क्वेश्चन आएगा, सिलेबस आएगा बोर्ड एग्ज़ाम का, वो ये है। पहला एक्सप्लेनेशन आएगा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आपको एक कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा एक पैसेज का, जो आप बोलते हो ना एक्सप्लेनेशन रेफरेंस जो लिखते हो वो 10 नंबर का होगा वो पहला क्वेश्चन। दूसरा आएगा आपका वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड, मतलब 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, उनमें से कोई एक करना होगा जो 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो। उसमें तीसरा क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक। जो चार क्वेश्चन रहेंगे, समझ में आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन मना बड़ा रहेगा, उसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो पहला आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, तीसरा वोकैबुलरी प्रोस से, यानी कि 19 नंबर आपका ऐसे कवर हो गया। पोइट्री से आपका 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पहला 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑन वन एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट मतलब पोएम का एक पर्टिकुलर पार्ट दे दिया गया है आपको, 4 लाइन 8 लाइन या कभी कभी 12 लाइन देता है वो दे देगा, फिर आपको बोलेगा भाई इसका रेफरेंस लिखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट लिखिए, इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, जो 10 नंबर का होगा। तो ज़रूर आप लिखिएगा, अगर आपको नहीं आता तो मुझसे पूछेगा, मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरीके से लिखते हैं। फिर बात करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ वन पोएम, किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया जो मैं बता चुका हूँ, आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी ऊपर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर के सेंट्रल आइडिया बाकी हैं, तो आप वीडियो के कमेंट पूछेंगे तो मैं आपको उस सेंट्रल आइडिया का वीडियो लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको लेकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने उसको PDF में बनाया है तो आप वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, 19 नंबर का प्रोस, फिर 17 नंबर का पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी आपका 10 नंबर का रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे जो 5-5 नंबर के होंगे, तो हो गए ना आपके 10 नंबर। फिर फिगर ऑफ स्पीच होगा, डेफिनेशन ऑफ एनी वन फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का एक डेफिनेशन होगा 2 एग्जाम्पल के साथ, सिमिली मेटाफर पर्सनिफिकेशन एपोस्ट्रॉफी ऑक्सीमोरॉन ओनोमेटोपोइया हाइपरबोल, ये जितना आप देख रहे हो इसमें से किसी न किसी का डेफिनेशन आपको लिखना होगा और उसका 2 एग्जाम्पल लिखना होगा, तब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका लिटरेचर सेक्शन जिसमें 50 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है हम लोग के लिए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से इसको पास कर सकते हो अगर आप मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। तो वो स्विंस लिखा है सेक्शन बी 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको देख सकते हो जनरल इंग्लिश ग्रामर जो आपके होते हैं वो 8 नंबर के, वो कैबलरी वाले है ना 14 नंबर के, तो 8 और 14 कितने हो गए 22। फिर आपका ट्रांसलेशन आएगा जो 10 नंबर का होगा, फिर आपका एसे राइटिंग होगा 12 नंबर का, अनसीन पैसेज होगा आपका 6 नंबर का, तो आप जोड़ते जाइए 6 और जोड़िए 10 12 22 22 6 28 और 28 जो ऊपर हमने देखा था 28 और 22 कितने हो गए 50, है ना, हो गए ना। चलिए देखते हैं क्या क्या है जनरल इंग्लिश ग्रामर, इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा, वन ऑफ टू एनी वन, ठीक है, दो दिया है सॉरी आउट ऑफ टू एनी वन, कोई एक करना होगा जो 2 नंबर का होगा। फिर सिंथेसिस आपका आएगा, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, अगर सिंथेसिस का वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, वीडियो के कमेंट में पूछेगा मैं दे दूँगा, 2 नंबर का ये भी रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी 2 नंबर का रहेगा, और सिंटेक्स ये भी 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। लेकिन सिंटेक्स 4 पूछेगा जिसमें से आपको 2 करना होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन आपके 2 पूछेगा, आपको 1 करना होगा, समझ में आ गया। वोकैबुलरी जो आपके 14 नंबर क्वेश्चन होंगे, जिसमें सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची 3 नंबर का, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द 3 नंबर का, होमोफोन्स मतलब एक जैसे सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द 3 नंबर के, सॉरी 2 नंबर के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब
एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक नाम जो इसको आप एक डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो 3 नंबर का एडियम एंड फ्रेजेस, ये भी 3 नंबर का आपका होगा, टोटल 14 नंबर हो गए। फिर आपका सातवां जो पॉइंट है वो ट्रांसलेशन है, वो इंग्लिश टू हिंदी है, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश है, वो 10 नंबर का। फिर लिखा है अथवा किसी संक्षिप्त पद्यांश या सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण। अथवा 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेजी साहित्य वेल एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित हडसन द्वारा संपादित एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिशियन लिटरेचर के अनुसार पर आधारित प्रश्न। देखिए ये जो अथवा अथवा करके दिया है, नॉर्मली इसको बाकी स्कूल में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। कुछ स्कूल में क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता है तो उसको एक अलग से पर्टिकुलरली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, उस क्लासेस में एक लिटरेचर की हिस्ट्री मतलब इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, अंग्रेजी इतिहास, तो अंग्रेजी इतिहास पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन आते हैं जो अथवा करके दिया है ना, ये उसमें आते हैं, तो कई स्कूल में वो पढ़ाया जाता है, ठीक। नॉर्मली तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ये पढ़ाया जाता है, लेकिन कई स्कूल में ये भी पढ़ाया जाता है जो मैंने भी बताया, ठीक। फिर 8वां पॉइंट आपका राइटिंग, एसे राइटिंग जो 12 नंबर का होगा, आपको कम से कम 3 पेज का एसे लिखना होता है। वो फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताऊँगा किस तरीके से एसे लिखने पर आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर 9 का अनसीन पैसेज, ये आपका 6 नंबर का होगा, ठीक। इसमें आपके नॉर्मली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 3 नंबर के, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उल्टा मतलब 3 पूछ सकता है 2 नंबर का, ठीक, लेकिन नॉर्मली 2 ही पूछता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस पैटर्न है ये। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये लिखा है पुस्तक का नाम, पाठ, फिर लेखक का नाम, तो ये है सिलेबस जो आपका कटने के बाद जो बचा हुआ वो है। प्रोज की बात करें इंग्लिश प्रोज की, तो उसमें है अ गर्ल विद बास्केट, विलियम सी डगलस का है, अ फेलो ट्रैवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये सब मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो जो अगर आपने देखा है वहाँ पर देख सकते हो, ठीक। ये सब चैप्टर जो हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर इंग्लिश पोइट्री में आपको पढ़ना है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अ लेमेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, माई हेवन, ये आपके 6 आपको पोइट्री के लेसन पढ़ने हैं, पोएम पढ़ने हैं। फिर सीस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, द सॉन्ग ऑफ फ्री, द गोल्ड वॉच, द एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, ये आपको पढ़ना है। द लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th का जो नया सिलेबस आया है 2021 में, वो भी ऐड है, ठीक है, तो वो आपको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। फिर जनरल इंग्लिश सेकेंड इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है वो, द अबव प्रिस्क्राइब सिलेबस, यानी कि बात हो रही है इसकी ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको जो यहाँ से यहाँ तक दिया और बताया गया था पूरा 9th तक, यही आपका सिलेबस रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश मतलब ग्रामर वाले इंग्लिश का, ठीक है। तो ये आपका पूरा का मैंने बता दिया है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कोई क्वेश्चन बताएं, कोई परेशानी हो तो वो भी बताएं, और कुछ आपको पूछना है क्लास 12 से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ग्रामर से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन या लिटरेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिगर ऑफ स्पीच जल्द ही मैं बताने वाला हूँ, फिगर ऑफ स्पीच, तो आप वीडियो चैनल से अटैच रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हो मेरे शब्दों द्वारा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और साथ में आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। तो वीडियो के डिटेल में जाके वो वाला लिंक जरूर डाउनलोड कर लीजिए जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। एट लास्ट आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।